नमस्कार, आप देख रहे हैं UPCSR का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं एसके पाठक आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करेंगे गन्ना किस्मों के बारे में, किस प्रकार से हम गन्ना किस्मों को पहचाने, गन्ना किस्मों को पहचानने का क्या तरीका है। सामान्य तौर पर हम सभी को लगता है कि सारी जो गन्ना सारे गन्ना हैं वो सब एक ही तरह के हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो गन्ने की अलग अलग किस्में हैं उनके अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग लक्षण हैं। और इस विषय को इस समय प्रसारण में लेने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस समय चूँकि प्रदेश की लगभग अधिकतर चीनी मिलों में गन्ना पिराई का कार्य प्रारंभ हो गया है, और सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि चाहे वो चीनी मिल का गेट हो या फिर चीनी मिल के जो बाह्य क्रय केंद्र हैं, उन क्रय केंद्रों पे आए दिन कुछ किस्मों को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसान भाई कुछ गन्ने की किस्म लेके जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि ये वैरायटी नहीं दूसरी वैरायटी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम जो बीच बीच में हम वैरायटी पे चलाते रहते हैं ताकि आप गन्ने की किस्मों के बारे में अवेयर हो सकते हैं, किस तरीके से आप पहचानें। और मैं बताना चाहूँगा कि गन्ना किस्मों के पहचान के बारे में किसानों में बहुत ही जागरूकता आई है, क्योंकि ये इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले किसानों को गन्ने की किस्मों का नाम नहीं पता होता था और आज किसान उन किस्मों की मांग करते हैं जो किस्में हमारे पाइपलाइन में हैं, जो ट्रायल में चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गन्ना विकास विभाग का, गन्ना शोध परिषद का, कि किसानों में जो इस तरह की जागरूकता आई है। आइए हम विषय पर चर्चा करते हैं, और हमारे इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्रीडिंग के हेड डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि गन्ना किस्मों को किस प्रकार से पहचाने, जिस तरीके से हमारे कान होते हैं, हमारे आँख हैं, हमारी जीभ है, उस तरीके से गन्ने के भी कान होते हैं, आर्किल होता है, गन्ने की जीभ होती है जिसको लिग्यूल कहते हैं, आर्किल होते हैं, कान होते हैं, आँख जिसको बड कहते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के पर्पस से है, और इसके अलावा भी कई करेक्टर हैं, डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये चाहेंगे कि गन्ने की किस्मों की पहचान की जो समस्या रहती है, किस प्रकार से किसान भाई इसको और सरल कर सकें, गन्ने की किस्मों को पहचानने में उनको और आसानी हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद डॉक्टर पाठक जी। हमारे सभी गन्ना से जुड़े हुए, चाहे वो हमारे काश्तकार भाई हों, चीनी मिल प्रतिनिधि हों, या गन्ना विभाग के अधिकारी हों, हमारे उच्च अधिकारी हों, हमारे साथी वैज्ञानिक हों, सब लोगों का गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर की ज़मीन से शुगर के ब्रीडर VK श्रीवास्तव आपको सल्यूट इसलिए करता है कि ब्रीडर सल्यूट ये गन्ने के फूल से कर सकता है। ये ब्रीडर का ही एक आधार है और यही हमारे गन्ने की नई नई किस्मों को निकलने का यही आधार है, इसलिए मैंने इसको आपको सल्यूट के लिए मैंने ये चुना है। हालांकि मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में अगर किस्मों की बात करें तो वाकई जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को भी आश्चर्य होता है कि हमारे प्रदेश की औसत उपज बढ़ाने में आप सबका जो योगदान है वो सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको सबको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश की औसत उपज 18 से 20 मीट्रिक टन होते हुए, जिस समय देसी गन्ने की किस्में थीं, बढ़ते बढ़ते 55 मीट्रिक टन, 70 मीट्रिक टन होते होते आज हमारी औसत उपज प्रदेश की 80 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा निकल गई है। और हमको ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इसमें आपकी बहुत बड़ी मेहनत और हमारे शीर्ष अधिकारियों की बहुत बड़ी कार्य कुशलता और उनके प्रबंधन का ही परिणाम है कि हमारे प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र जैसे राष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और अभी हमारा प्रदेश अग्रगणी प्रदेश के रूप में हमारे देश में विख्यात हो रहा है। किस्मों की जहाँ तक पहचान की बात है, हमारे प्रदेश में यूँ तो लगभग 65 किस्में जो है वो रिलीज़ हैं। चूँकि गन्ना ऐसी फसल है कि जिसमें जेनेटिक इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुसार हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्में स्वीकृत की जाती हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश आप जान रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विशाल उसकी महत्ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है।
तो पूरे प्रदेश में हमारे अगर कहें तो बहुत सी वैरायटीज़ है, 65 के करीब वैरायटी है, जिसमें से 29 वैरायटी हमारी अर्ली की है, बाकी मिड लेट की है, कुछ हमारी ऐसी है जो जल प्रभाव के लिए है। कहने का मतलब है कि इतनी लंबी वैरायटी की लिस्ट है आपके पास, इतनी ज़बरदस्त च्वाइस है जो शायद पहले नहीं थी। आपको याद होगा लगभग 90 के दशक में शीघ्र पकने वाली किस्मों के रूप में अगर आप पहचान करते तो सिर्फ एक वैरायटी हुआ करती थी, कोशा 687 थी, कोजे 64 थी। आज आपके पास लिस्ट में 29 अर्ली वैरायटीज़ हैं। कहने का मतलब है जिसमें से इतनी लोकप्रिय भी हैं कि आप उसके गन्ने की वैरायटी को लेने के लिए कहां कहां से आप जो है वो पहुंचते हैं हमारे प्रदेश के, हैं प्रदेश के सब काश्तकार भाई हमारे गन्ना शोध परिषद का भी। डॉक्टर साहब, पूरे प्रदेश भर से सैकड़ों किसान जुड़ गए हैं, सुशील पवार जी जुड़ गए हैं, राहुल भोकरे जी जुड़ गए हैं, रामू गुप्ता जुड़ गए हैं, मंजीत डागर जी जुड़ गए हैं, राजेश सिंह बहराइच से जुड़ गए हैं, अनिल सागर जी जुड़ गए हैं, मनदीप पहल जी जुड़ गए हैं, राजीव चौधरी जी जुड़ गए हैं, विजय मौर्य जी जुड़ गए हैं, शिव मिश्रा जुड़ गए हैं, रजवंत सिंह जुड़ गए हैं, मंजीत डागर जी जुड़ गए हैं, संदीप सिंह जुड़ गए हैं। संदीप सिंह जी आपका, चूंकि चलिए हम क्वेश्चन आपको बता दें, सर मैं अपना गन्ना कैलेंडर कैसे संशोधन कराऊं? संदीप जी, आप अपने जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क कर लें या गन्ना विकास परिषद में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से संपर्क कर लें तो आपका समाधान हो जाएगा। इलियास गाजी जी जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। कार्यक्रम पर बने रहिए। अभी शरद काल में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा लगभग 1 करोड़ बड वितरित किया गया है और फरवरी में फिर वितरित किया जाएगा, तो 13,235 आप इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं, पहचान कर। मुख्य रूप से जो गन्ने की किस्म हम लोग पहचानते हैं उसमें हम अगोला देखते हैं, अगोला है और गन्ने का तना है, इसके आधार पर हम पहचानते हैं दूर से कि हमारा अगोला गन्ने का कैसा है, उसका रंग कैसा है, पत्ती का आकार कैसा है, पत्ती चौड़ी है या पतली है, इस तरह गन्ना जो है वो कैसा है, मोटा है, पतला है, मध्यम है, मध्यम मोटा है। जहाँ तक कोशा 13,235 का सवाल है, यह इसमें जो पत्ती है ये हल्का पीली हरी रंग की है। ये देखिए आप पत्ती का रंग, पहले तो आप रंग देखें, पत्ती जब आप देखेंगे पीला हरा और ड्रूपिंग टाइप का है। देखिए गन्ना जो है इसकी पत्ती थोड़ी थोड़ी सी जो है क्या हो रहा है साइड में, देखिए थोड़ा ड्रूपिंग टाइप का है। थोड़ा दूर से व्यू करें, थोड़ा दूर से व्यू करें, पत्ती को देखेंगे ड्रूपिंग टाइप का है। और जो इसकी लीफ शीथ है जहाँ से पत्ती निकलती है तने से, डॉक्टर साहब यहीं पे थोड़ा सा जो हाँ। आपने पत्ती का ये बताया कि पत्तियाँ इसकी थोड़ी ड्रूपिंग टाइप की हैं, यहीं पे बगल में जो गन्ने की किस्म है कोसा 13,231 है, ये कोसा इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा आप देखें जैसे मेहराब बनाती हुई, इस तरीके से मेहराब बनाती हुई है और इसकी पत्तियाँ अपेक्षाकृत हरी हरी रंग की है, हरे रंग की है। इसमें डार्कनेस ग्रीन जो है ज़्यादा कलर है इसमें, और इसमें हल्का कम कलर है इस तरीके से। तो ये रंग के आधार पर भी आप देखते हैं। और पत्ती की देखिए इसमें चौड़ाई, कोशा 13,235 की पत्ती ज़्यादा चौड़ी है और कोशा 13,231 की पतली उसके अपेक्षाकृत पतली है। तो पत्ती के जो फलक है वो चौड़ा कितना है और पतला कितना है, इसके आधार पर भी हम गन्ने की अलग अलग किस्मों को उसको पहचानने में हमको मदद मिलती है जी। वैसे करेक्टर अगर देखा जाएगा तो लगभग 27 करेक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम लोग पहचानते हैं जी। तो काश्तकार भाई हमारे उनके बहुत से करेक्टर हो सकता है कि वो ना पहचान पाए उनके उसको जो है, तो वो मुख्य मुख्य चीज़ों को हम यहाँ पर समायोजित करने की कोशिश करेंगे। ये जहाँ से गन्ना निकलता है, जहाँ से गन्ना निकलता है इसकी नोट से ये जो पत्ती निकलती है ये हमारा लीफ शीथ होता है। इसको समझ लें, ये यहाँ से ये लीफ शीथ है, ये लीफ शीथ है। और लीफ शीथ पे हल्के हल्के धब्बे जो पाए जाते हैं, देखिए ये जो इसका धब्बा है ये देखिए, ये भी एक 13,235 का 13,235 का खास गुड़ है ये। हालांकि और भी वैरायटीज में होता है, जैसे को 0238 में भी है, को 98014 में भी है, लेकिन उनको आप अलग अलग तरह से देखेंगे, उसके साथ में उनके अलग करेक्टर्स भी होंगे। जैसे अगर को 98014 है तो उसमें पत्ती का एक कान जो है एक तरफ से लंबा दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब है बहुत से गुण हैं। अब ये लीफ शीथ जहाँ तक हम दिखा रहे थे, लीफ शीथ देखिए, लीफ शीथ में कांटे बहुत हल्का कहीं दिखाई देगा, कांटा इसमें नहीं है, कांटे इसमें देखिए, हाथ लगाइए ये देखिए एकदम चिकना टाइप का। और अब आप इसके आँख पे आ जाइए, आँख बट पे आ जाइए, आँख आँख इसकी देखिए, आँख में भी तीन चीज़ें हैं। जैसे मान लिया कि उसका आकार कैसा है, आकार मतलब छोटा है, मध्यम है या बड़ा है, और उसका आकार में गोल है, अंडाकार है, किस प्रकार का आकार है,
इसको आप देखेंगे तो आँख इसकी थोड़ी उभरी हुई है, देखिए ये देखिए इसकी आँख थोड़ी उभरी हुई है अपेक्षाकृत। अभी आपको हम और किस्में दिखाएंगे, जैसे कोलक 14201 दिखाएंगे, ये हल्का सा कछुए की तरह जैसे ना पीठ 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 की तरह, देखिए एकदम जो है उभरी हुई इसकी आँख है। तो ये इसमें ये भी इसका एक विशेष गुण है। और गन्ना इसका देखिए मध्यम मोटा है, इसकी मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर के करीब है, देखिए। अच्छा ये डॉक्टर साहब पूरा ये गोलाकार नहीं लग रहा है ये गन्ना? हल्का सा जो है चपटा लगेगा, लेकिन जो है गन्ना काटेंगे अगर आप बीच से बिल्कुल ठोस गन्ना दिखाई देगा, क्योंकि इसके माता पिता भी अगर मैं बताऊं आपको, MS 6847 एक महाराष्ट्र का गन्ना है और को 1148 जिसको कि आप सभी जानते हैं नॉर्थ इंडिया की बहुत पॉपुलर वैरायटी रही है, यही इसके माता पिता है। और इसके कारण इसका जो गन्ना है बहुत ही, जब आप काट के देखेंगे रसीला एकदम है, ठोस गन्ना है। तो इस प्रकार से जो है वो कोशा 13235 को आप जो है वो पहचान सकते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात मैं बताऊं कि चीनी की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक है, हमारी जो प्रचलित जो गन्ने की किस्म है CO 0238 लगभग उसके बराबर ये चीनी देने वाली है, और उपज में भी लगभग उसके बराबर आ जाती है। चूँकि हमारी वो एक ऐसी किस्म जो है जो कि रेयर वैरायटी कहा जाएगा CO 0238 CO 0238 जिसने कि प्रदेश में बहुत ही नाम कमाया, काश्तकारों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रही, उसका जो उसमें कुछ कमियां आ गई, उसमें लाल सड़न की बीमारी का कुछ प्रकोप देखा गया, इसलिए उसको आप एरिया को उसके विकल्प के रूप में आप इसको बो सकते हैं। बाकी जो प्रिकॉशन आपको बताए जाते हैं कि कैसे कल्टीवेशन करना है, क्या क्लीन कल्टीवेशन आप कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। उसको काफ़ी पहले भी इस मंच से चर्चा हो चुकी है, तो उनको आप पहले देखेंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई परेशानी होने पर आप हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं। तो कोशा 13235 जो सहज 5 है, एक रेयर वैरायटी रही और इसने एक ऐसा वंडर क्रिएट किया, इसको हम गन्ने के इतिहास में आश्चर्यजनक ही संज्ञा देंगे कि 1 करोड़ बट तो किसकी खाली जो है गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर से दी गई है, बाकी फार्मर टू फार्मर किसान से किसान से भी बहुत सी ली गई होंगी। इनका सब जो है वो गन्ना विभाग और हमारे जो गन्ना शोध के हमारे केंद्र हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके सब सहयोग से लोगों ने किया है, हमारे सारे वैज्ञानिक भाइयों ने। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल आ गया है, मध्य प्रदेश के किसान हैं शैलेंद्र लोधी जी कह रहे हैं कि MP के किसान 13235 और 14201 का बीज कहां से प्राप्त कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि ये गन्ने की किस्म तो उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य रूप से गन्ने की जो किस्में हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये हम अपने प्रदेश की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में स्वीकृत है, बाकी अन्य क्षेत्रों में और यहाँ पर भी जो है वो हमारे जो उच्च अधिकार की जो प्राप्त कमेटी है वो इसका निर्णय करके, जिसको कि जो हमारे गन्ना आयुक्त महोदय जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक विशेष प्रक्रिया के तहत निकाली जाती है। आप ये जान लें कि गन्ने की जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी का मतलब हम आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि यहाँ उस त्रिवेणी से जो प्रयागराज में बह रही है उससे आप ना इसको मतलब कंफ्यूज हों, ये त्रिवेणी हमारी गन्ने की है, ये गन्ने की उपज नंबर 1। नंबर 2 है त्रिवेणी हमारी चीनी का पड़ता, क्योंकि अगर उपज अच्छी नहीं होगी तो किसान नहीं बोएगा, चीनी का पड़ता अच्छा नहीं होगा तो चीनी मिल नहीं पेरेगी। नंबर 3 जो सरस्वती अदृश्य जो दिखाई नहीं देती हैं वो हमारे गन्ने की है लाल सड़न की बीमारी, जिसके प्रति हम लोग विशेष रूप से सचेत रहते हैं। अगर लाल सड़न की बीमारी उसमें आ गई तो समझ लीजिए कि हमारा गन्ना जो है वो, और मैंने जैसे आपको दिखाया कि वो फूल जहाँ से कि गन्ने की शुरुआत होती है वहाँ से और इस वैरायटी तक पहुँचने में लगभग 10 साल का समय लगता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने अथक प्रयास और कितनी बड़ी टीम होगी, जिसमें ब्रीडर के साथ में पैथोलॉजिस्ट एंटोमोलॉजिस्ट हमारे शुगर के विशेषज्ञ बहुत से लोगों का योगदान रहता है। और इसलिए इन किस्मों को इस्तेमाल करते समय आप लोग बहुत सतर्कता बरतें, किसी प्रकार की इसमें लापरवाही ना करें। और हमारा यही विशेष आपसे अनुरोध रहेगा कि जो क्षेत्र में स्वीकृत आपकी किस्में हैं केवल उन्हीं को बोए, बाकी आप अपने मध्य प्रदेश में बोना चाहते हैं तो आप इनको परीक्षण के तौर पर वहाँ पर आपकी जो गन्ने की जो कमेटी होगी, जो भी गन्ना आयुक्त महोदय होंगे, उनके संरक्षण में आप अपने प्रायोगिक परीक्षण करें, उनमें जो अच्छी पाई जाए, क्योंकि उसमें परीक्षण में आप उपज भी मूल्यांकन करते हैं, प्रचलित जो किस्में हैं वहाँ पर आप उनके साथ में यहाँ की किस्मों को परीक्षण करें, जो बेहतर पाई जाएगी वो वहाँ के क्षेत्र के लिए रिलीज होगी और तभी आप उसको बोएं। मेरा यही यहाँ पे नवीन गन्ने की किस्मों को प्राप्त करने के लिए मिनी सीड किट मेले में दिया जाता है, मेले में मिनी सीड किट आप लोग बांटते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई वहाँ से भी, लेकिन आप प्रोटोकॉल जरूर पालन करें। मैं तो यही कहूँगा कि कोरोना का प्रोटोकॉल भी पालन करें और जो हमारे जो क्वारंटाइन के मेजर्स हैं वो पालन करें, क्योंकि इनका भयावह परिणाम बहुत धीरे धीरे होता है और जब होता है तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हमारी आपसे यही
अनुरोध है कि सतर्कता आवश्यक है। प्रदीप पुंडीर जी डॉक्टर पूछ रहे हैं कि 14-201 फरवरी में मिलेगा। प्रदीप जी मैं बताऊं आपको कि जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि किसान मेले में जो हमारे यहाँ मिनी सीड किट दिया जाता है वो फरवरी मार्च में मेला लगेगा उसमें आपको दिया जाएगा, आपको क्या जो भी किसान आएंगे उनको दिया जाएगा। लेकिन जो सामान्य वितरण का हमारा सिस्टम है वो ये है कि यहाँ से जो गन्ना बीज वितरण होता है वो माननीय गन्ना आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार संबंधित गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से होता है। तो बेहतर ये होगा कि आपकी जो गन्ना विकास परिषद है, गन्ना समिति है, उससे आप संपर्क कर लें और उन वो लोग यहाँ से बीज ले जाते हैं, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। एक ये तरीका हो सकता है। बहुत से किसान भाई हैं, हम सबके सवाल भी लेंगे इसमें, लेकिन और चर्चा कर लें और गन्ने की किस्मों के बारे में। डॉक्टर साहब एक और गन्ने की किस्म 14-201 के बारे में काफ़ी चर्चा है, काफ़ी क्यूरियासिटी है किसानों के मन में और उसके पहचान के बारे में हम चाहेंगे कि आप जरा बताएं किसान भाइयों को ये 14-201 गन्ने की किस्म है, क्या पहचान है, कैसे किसान भाई पहचाने इसको, क्या इसकी खासियत है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोलख 14-201 जिसका कि 110 नाम है, यह किस्म जो है अगर पत्ती इसकी देखें अगोला तो इसका अगोला खड़ा हुआ है, पत्ती इसकी देखिए टॉप इसका एकदम खड़ा खड़ा पत्ती दिखाई देता है और गन्ने को आप तने को देखेंगे तने में हल्का सा मोम का वलय पाया जाता है, इसमें मोम वलय जिसको कि हम वैक्स कहते हैं, वैक्स बैंड। आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसमें हल्का सा सफ़ेदी लिए हुए गन्ना आपको दिखाई देगा, ये भी इसकी एक खास गुण है। इसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको कोशा 13-235 का बताया था कि उभरी हुई बड़ है, लेकिन इसकी बड़ आप देखिए अंडाकार और चिपकी हुई है, देखिए चिपकी बड़ है एकदम, लीफ शीथ पे ना के बराबर काटे हैं, बहुत हल्के, और अगोला इसका जो है हरा रहता है, देखिए उसका पीला हरा था लेकिन इसका देखिए हरा है एकदम, खड़ा हुआ है पत्ती सारी खड़ी हुई है। और जहाँ तक इसमें डॉक्टर साहब ये जो लाल धारी दिखाई पड़ रही है इसकी जो लीफ सीथ के इनर आर्किल अगर कहें या आउटर आर्किल, तो क्या ये इसी में पाई जाती है और में भी पाई जाती है? नहीं, औरों में पाई जाती है लेकिन इसमें भी प्रोमिनेंट ज़्यादा थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। अब इसकी जहाँ तक हम उपज की बात करें, इसकी उपज भी बहुत ही अच्छी है, लगभग 95-100 मीट्रिक टन देने की इसकी क्षमता है और बहु पेड़ी देने की क्षमता है, ये भी इसका एक खास गुण है कि अगर आप इसकी दो पेड़ी लेना चाहें, दो पेड़ी की फसल लेना चाहें वो भी आप इसकी कोलक 14-201 की ले सकते हैं। तो इसलिए एक बड़ी होनहार किस्म है और हमारे काश्तकार भाई ने बहुत ही जागरूकता दिखाई और इसके बारे में प्रश्न किया जी। और कोई पहचान, ये थोड़ा सा इसका जो पत्ती का शेप है ऊपर का वो पत्ती इसकी 84-36 की तरह है, लेकिन 84-36 के मुकाबले में ये थोड़ा मध्यम कही जाएगी, वो उसकी 84-36 की पत्तियाँ जो थोड़ी चौड़ी है, लीफ ब्लेड उसका जो है चौड़ा है, लेकिन इसकी लीफ ब्लेड चौड़ा नहीं है, ये मध्यम है इसका गन्ना और जो है वो खड़ा है, खड़ा तो जो आपको इरेक्टनेस दिखाई दे रही है लीव्स की जो इरेक्टनेस, ये 84-36 की तरह है, लेकिन 84-36 की पत्तियां और इसमें पत्ती में डिफरेंस ये है कि इसमें पतला है उसमें चौड़ा लीफ लमाना चौड़ा है। अच्छा एक चीज़ और डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के मन में एक ये भी रहता है जो हमारे प्रगतिशील किसान है कि ये पेरेंटेज इसका 0238 का GC है संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या उसका कुछ कोरिलेशन है 0238? नहीं नहीं, ऐसा है कि को 0238 का जनरल कलेक्शन है जी। अब जनरल कलेक्शन जो है उसका मतलब यह है कि हमको को 0238 तो इसकी माता हो गई, जब भी हम नामकरण करते हैं किसी का पैतृकता बताते हैं, जैसे मैंने भी आपको कोशा 13-235 का बताया कि MS 6847 × 1148 है, को 1148 है, तो जब भी ये लिखा जाता है तो जो पहला नाम होता है वो माता का होता है जो फीमेल पेरेंट है और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है मेल। तो MS 6847 उसमें माता है और इसमें 1148 उसके पिता है। अब इसमें क्या है कि हमको को 0238 जब GC कहते हैं तो GC मतलब हाइब्रिडाइजेशन गार्डन में बहुत से हमारे प्लांट्स वहाँ पर मौजूद रहे होंगे जब इसको कलेक्ट किया गया होगा और जो सीड कलेक्शन हुआ वो को 0238 से हुआ, यानी कि फीमेल पेरेंट जो है वो नोन है, मेल पेरेंट उसमें कौन है ये हमको नहीं पता क्योंकि वो जनरल कलेक्शन के तहत हुआ। अच्छा, ये एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया के ये संकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके तहत हमारे पास अगर दो पेरेंट हैं तो उसको हम बाई पेरेंटल कहते हैं या द्विसंकरण कहते हैं, बाई पेरेंटल क्रॉस
और ये हमारा जनरल क्रॉस है। इसके अतिरिक्त अगर आप और जागरूकता दिखा रहे हैं तो हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक पॉली क्रॉस भी होता है, जिससे कि जैसे वो को 1148 का पीसी है, हमारी एक वैरायटी है को 092-32, ये सामान्य की वैरायटी है को 092-32, उसका पेरेंटेज को 1148 पीसी है। पीसी मतलब पॉली क्रॉस, पॉली मतलब हमारा फीमेल नोन है, मेल हमने 4-5 मेल उसमें दस्त हुए होंगे, तो उससे जो कलेक्शन हुआ हमारा फीमेल प्लांट से उसको पीसी, जो सीड कलेक्ट हुआ जिसको भुआ कहते हैं, जो सीड कलेक्ट हुआ वो 1148 से हुआ, तो वो 1148 पीसी हो गया। इस तरह से पॉली क्रॉस, बाई पेरेंटल क्रॉस और जनरल क्रॉस, ये हमारे संकरण की विधियां, ये प्रक्रिया तो है। इसलिए आप ये निसंकोच रहें कि को 0238 का जीसी है तो इसमें कोई खराब बात है, ये कोई खराब बात नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि गन्ने में बहुत ही क्षेत्रीय उपयुक्तता के आधार पर हमारा चयन किया जाता है, और ये किस्म जो है वो हमारे पूरे नॉर्थ वेस्ट जोन में बहुत अच्छी पाई गई है, जिसका कि और हमारे प्रदेश के लिए तो स्वीकृत ही है ये, जिसको कि आप सब जो है लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद। एक और गन्ने की किस्म है डॉक्टर साहब, ये 15023, ये भी काफ़ी लोकप्रिय गन्ने की किस्म है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको 15023 को। इसके बारे में भी थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएं कि जो 15023 से क्या पहचान है इसकी, क्या ऐसी देखिए को, जैसे कि मैंने आपको शीघ्र पकने वाली दो किस्मों के बारे में विशेष रूप से बताया कि कोसा 13235, कोलक 14201, ये दोनों शीघ्र पकने वाली किस्म है। ये को 15023 भी शीघ्र पकने वाली किस्म है, लेकिन इन तीनों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो को 15023 इसको हम और भी अर्ली कह सकते हैं, मतलब कहने का है एक ये कि पकने वाली किस्मों में सबसे पहले ये पकेगी अगर मैच्योरिटी के हिसाब से देखेंगे। किस्म जो है इसका पत्ती आप देखें कि इसमें पीलापन थोड़ा ज़्यादा लिए हुए हैं, पत्ती देखें पीलापन लिए हुए, और इसमें हल्के से कांटे भी पाए जाते हैं, इसके लीफ शीट पर आप हाथ लगाएंगे तो इसमें कांटे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में आप एक तरफ में देखेंगे इसका यहाँ पर ये कान जो है देखिए एक निकला हुआ है, देखिए ये जो पत्ती के साथ में ये देखिए कान निकले हुए हैं इसमें, ये किनारे के तरफ में, तो ये कान जो है ये भी इसका खास गुण है, काफ़ी डोमिनेंट दिखाई देता है। और इसके गन्ने को आप देखें तो थोड़ा सा पीला हरा लिए हुए गन्ना, और बहुत ही विशेष इसका जो है इंटरनोड का शेप है, देखिए नीचे की तरफ से थोड़ा सा दब जाता है, ये नीचे की तरफ दब जाता है, लेकिन ये इसमें एक तरह से ये कह सकते हैं ये जो हर पोरी जो है ऊपर वाली लग रहा नीचे वाली बिल्कुल में, बिल्कुल एक तरह से धसी हुई टाइप की लगेगी पोरी का, ये बहुत ही खास इसकी जो है वो पहचान है। और रंग के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं कि हल्का जो है वो पीला हरा गन्ना लिए हुए, सॉफ्ट गन्ना है, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको बोते समय जरूर ध्यान रखिए कि केयर इसकी ज़रूरी है, और पेड़ी जो है वो इसको प्रबंधन काफ़ी आवश्यक होगा इसका। तो ये एक अच्छी किस्म है और काफ़ी मेहनत से निकाली जाती है, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी साल के अथक प्रयास से, तो इन किस्मों को बचाने का प्रयास कीजिए, इनका भरपूर लाभ उठाइए, चीनी मिलें भी उठाएं, हमारे काश्तकार भाई भी उठाएं, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास को सबको सफल करें आप लोग। अन्य किस्मों में अगर आप देखें तो डॉक्टर पाठक और भी कई किस्में हैं डॉक्टर यहाँ पे, हालांकि नई किस्मों की बात करें तो जो गन्ने की नई किस्में हैं एकाएक सभी किसानों को उतना बीज नहीं मिल पाता है और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गन्ना जो है ये इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा होता है। तो एक साथ कोई गन्ने की किस्म अगर 85% 90% एरिए में है तो उस किस्म को साल दो साल में नहीं रिप्लेस किया जा सकता है, उसके लिए टाइम लगेगा। तो एक साथ सभी किसानों को बीज नहीं मिल सकता है। हाँ ये है कि इतना बीज शोध संस्थानों से उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप अगले सालों में आप बीज तैयार कर सकें, साथ ही साथ उसके पहले हमें और भी हमारे पास जो पहले से ऑलरेडी किस्में हैं उनकी भी बुआई हमें करना चाहिए, ताकि हम जो रेड राट से हमारी गन्ने की किस्म 0238 अब प्रभावित हो गई है, हम उसको धीरे धीरे एक तरह से कम कर सकें या उसकी एरिया को घटा सकें। तो और कौन कौन सी वैरायटियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये पहले इसकी रिलीज हुई एक वैरायटी को 0118 भी काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी हो रही है, और करण दो इसका नाम है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप दूर से गन्ने को देखते हैं तो उसकी पत्ती से भी आप इसको पहचानते हैं, देखिए इसकी पत्ती जो है चौड़ी है और हरी हुई पत्ती है, लीफ शीट देखेंगे तो बैंगनी रंग की लीफ शीट है। इस तरह की लीफ शीट आपको अन्य किस्मों में नहीं मिलेगी, बैंगनी रंग की लीफ शीट है, और कांटे देखिए इसमें, हर हाथ लगा के देखेंगे तो कांटे की अधिकता पाई जाएगी, देखिए कांटे इस दिखाई देंगे, आप जब इसको ऊपर से नीचे हाथ करेंगे तो आपके हाथ में देखिए कांटे दिखाई देंगे, ये देखिए। इसके साथ साथ में आपको एक तरफ इसमें ये देखिए कान दिखाई देगा, ये इसका कान है, ये लंबा इसका एक ये कान दिखाई पड़ रहा है, ये लीफ शीट से निकला हुआ जहाँ से पत्ती निकलती है ये कान भी दिखाई दे रहा है।
ये देखिए ये लीफ शीथ। तो कान का पाया जाना बैंगनी रंग की लीफ शीथ, कांटे का पाया जाना, उसके साथ साथ में अब आप इसकी पोरी को देखिए, पोरी जो है काफ़ी मोटी इसकी है, ऊपर से जो है थोड़ी चौड़ी, नीचे से थोड़ी पतली, जैसे कि ये देखिए इसका एक पर्टिकुलर शेप है, अभिशंकु आकार, इसका आकार का नाम कह सकते हैं अभिशंकु आकार। शंकु तो जो है, शंकु मतलब कोन, कोन ऊपर से पतला होता है नीचे से चौड़ा होता है, लेकिन इसकी इसमें क्या है अभिशंकु, उल्टा हुआ कोन, कोन में नुकीलापन तो नहीं है लेकिन हम आपको शेप के आधार पर बता रहे हैं, अभिशंकु आकार में मतलब ऊपर थोड़ा चौड़ा नीचे थोड़ा पतला। अब आप इसकी बड को देखिए, बड इसकी जो है बहुत बड़ी नहीं है, देखिए छोटी बड है, छोटी और गोल, देखिए बैंगनी रंग की लीफ शीथ है, हल्का हल्का कहीं पर वैक्स वैक्स बैंड भी दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से आप देखें कि को 0118 बहुत हाई क्वालिटी की वैरायटी है, अच्छी पेड़ी देने की क्षमता है, लेकिन यह है कि इसको प्रबंधन आपको आवश्यक है, तो आसानी से आप इसकी 100 मीट्रिक टन उपज इसमें दे सकते हैं। हाल ही में रिलीज हुई है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ जहाँ पे 2.5 महीने 3 महीने जल प्लावन की स्थिति रहती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती है, या जहाँ पे ऊसर भूमियाँ हैं, तो उसके लिए ये जो गन्ने की किस्म विकसित की गई है UPCSR द्वारा, आपके द्वारा, कोसा 10-239, इसके बारे में थोड़ा सा। ये कोसा 10-239 जो है इसका नाम है सहज 6। इसकी आप पत्ती देखेंगे, पत्ती इसकी हरा पन लिए हुए है और खड़ी खड़ी पत्तियाँ हैं इसकी, इरेक्टनेस इसमें है जी, और ब्लेड लीफ ब्लेड देखिए अपेक्षाकृत जो है वो थोड़ा सा मध्यम चौड़ा है लीफ ब्लेड। इंटरनोड को आप देखेंगे, आप आगे आगे बढ़िए, मध्यम मोटे इसके गन्ने हैं, मध्यम मोटे हैं, थिकनेस इसमें ज़्यादा नहीं है, मध्यम मोटे हैं, चूँकि ये स्ट्रेस के लिए, जैसे कि आपने बताया कि जहाँ ऊसर क्षेत्र है और हल्का जल भराव का क्षेत्र है वहाँ के लिए भी ये अच्छी पाई गई है। आँख जो है इसकी थोड़ी छोटी सी, अंडाकार छोटी आँख, हालांकि अंडाकार छोटी आपकी अंडाकार आँख जो है कोसा 0-82-76 में भी होती है जी। लेकिन उसकी आँख जो है इसकी अपेक्षाकृत बड़ी होती है कोसा 0-82-76 की, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें करेक्टर्स तो आपके सब वही होंगे, जैसे आँख वही होगी, इंटरनोड वही होगी, पत्ती वही होगी, लेकिन उसके आकार प्रकार से, उसके रंगों से, उसके आकार से आप उन चीज़ों को पहचानने का प्रयास करने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ चीज़ें जो आपने बताई हैं उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो किसान भाई बड़ी आसानी से एक किस्म को दूसरी किस्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, चाहे बर्ड की बात हो, अगर आप आँख देखिए तो थोड़ा बहुत जरूर अंतर होगा, बिल्कुल, या कुछ ऐसा होगा कि अगर हो सकता है कि दो किस्मों के बर्ड एक समान हो लेकिन और करेक्टर उससे अलग हो, बिल्कुल इस तरह से भी किसान भाई उसको पहचान सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और गन्ने की किस्म हाल ही में अभी UPCSR द्वारा विकसित की गई है सामान्य में, हालांकि सामान्य के प्रति एक रवैया किसान भाइयों का ये रहता है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन जो ये वैरायटी 0238 आई, चाहे वो शुरुआत में हो चीनी की परते की बात, चाहे बाद में चीनी परते की बात, चाहे मध्य में हो, तो हमेशा चीनी परता जो उसमें एक तरह से रहा, तो उससे कहीं ना कहीं सामान्य की किस्मों का क्षेत्रफल घटा, लोगों किसानों की लोकप्रियता थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अब समय आ गया है कि सामान्य में भी बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं जो अच्छी पैदावार दे सकती हैं, उसमें चीनी परता अधिक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इन नई किस्मों को किसान भाइयों को लगाना चाहिए जिससे कि आगे जो हमें दिक्कत आने वाली है या 0238 की वजह से, तो एक कहने का तात्पर्य एक वैरायटल बैलेंस बना रहे। तो इस क्रम में एक 14-235 गन्ने की किस्म अभी पिछले साल ही रिलीज हुई है सामान्य किस्म, ये है कोसा 14-233। देखिए सामान की किस्म जमाव है, इसका है जमाव भी अच्छा है, किल्ले भी अच्छे हैं, मतलब मिल योग गन्नों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, लगभग 100 मीट्रिक टन देने की क्षमता है, लेकिन अब इस समय हमारी आवश्यकता, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा डॉक्टर पाठक जी, कि किस्मों के समन्वय इस तरह से किया जाए कि हमको पौधा पेड़ी आटम स्प्रिंग अर्ली मिड लेट, ये कुल मिला करके आप जब चीज़ों को देखेंगे तब आप जो है वैरायटल बैलेंस की बात इसको आप सही रूप दे पाएंगे। तो इसी क्रम में अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज जैसे मैंने बहुत सारी कुछ बताई हैं और सामान्य की कुछ किस्में हैं, सामान्य की किस्मों में अभी लेटेस्ट जो निकाली गई है कोसा 14-233, ये भी एक अच्छी किस्म है, आप देखिए पेड़ी इसकी बहुत अच्छी है, मध्यम मोटा गन्ना है और लगभग 100 मीट्रिक टन देने की क्षमता है।
आप इसके गन्ने में जो पत्ती देखेंगे तो काफ़ी पत्ती में बायोमास बहुत ज़्यादा है, इसकी सूखी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी इसकी सूखी पत्तियाँ हैं जी। और ये इसको एक तरीके का अतिरिक्त लाभ ही देती हैं। और ये जो मीडियम टाइप का गन्ना है, इसका मीडियम टाइप का गन्ना है और हल्का सा त्रिभुजाकार टाइप की इसकी बड है। आँख देखिए इसकी चौड़ी, आँख देखिए इसकी आकार, चिपकी हुई आँख है और छोटी है, और कंडीशन में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता है इसमें। ये जो इसमें थोड़ी थोड़ी से आपको स्ट्रीक्स दिखाई दे रहे हैं, ये आइवरी मार्किंग टाइप की चीज़ है, ये भी इसमें एक खास गुण है। हालांकि ये कोशा 767 में भी होता है, लेकिन कोशा 767 में कांटे ज़्यादा होते हैं, इसमें आपको कांटे नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि तरह तरह की किस्में हैं। इसी क्रम में हम आपको ये जो बहुत ही लोकप्रिय किस्म है सामान्य की कोशा लेते हैं। डॉक्टर साहब, राहुल भोगरे जी का सवाल है कि क्या COVSI 18121 कोई वैरायटी है? उत्तर प्रदेश के लिए तो नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए सीक्रेट नहीं है ये COVSI कोयम्बटूर और VSI पूना, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट जो पूना में है उसके सहयोग से बनाई गई है, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए रिलीज नहीं है। आपकी जागरूकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप, मेरा ये आपसे अनुरोध है कि अपने प्रदेश में बहुत सी वैरायटीज़ हैं, आप उसका मूल्यांकन करें, अपने क्षेत्रों में फैलाएं और अस्वीकृत किस्मों को मतलब कोशिश करें कि वो आप ना बोएं उनको। एक और वैरायटी डॉक्टर साहब, ये देखिए इसका अगोला बहुत हरा है और गन्ना काफ़ी मोटा है, हालांकि थोड़ा सा इसमें लॉजिंग आ गई है, गिर गया। ये कौन सी वैरायटी है? ये इसका जो है कोसे, ये भी काफ़ी चौड़ी है, कोसे 13452, ये भी बहुत अच्छी होनहार किस्म हमारे सेवरी संस्थान के निकाली गई है। इसकी पत्ती आप देखिए लश ग्रीन अगोला रहता है, टॉप इसका एकदम हरा हरा अगोला और पत्ती के जो लीफ लमाइना है वो भी काफ़ी चौड़ा है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे इसकी जो इंटरनोड है, इंटरनोड हल्का सा सफ़ेद लिए हुए हैं और इंटरनोड जो जहाँ से आँख निकलती है, आँख के ऊपर आप हाथ लगा के देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इसमें आपको बड ग्रुप दिखाई देगा। ये इसकी खास बात है, ये मेन चीज़ है इसको पहचानने की, जो जो कुडमल प्रसीता कहते हैं डॉक्टर, क्यों कुडमल प्रसीता या बड ग्रुप, आप हाथ लगाएंगे ये बड के ऊपर, ये देखिए यहाँ तक इसकी नाली टाइप की चीज़ दिखाई देगी, ये इसकी खास पहचान है। देखिए नाली इसकी यहाँ देखिए बहुत डीप इसकी जो है कुडमल प्रसीता इसमें बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बाकी गन्ना जो है एक साइड में इसमें हल्का सा गन्ने का जो कान कहते हैं लीफ के ऊपर वो भी इसका जो है प्रोमिनेंट दिखाई देता है। तो कोसे 13452 अच्छी किस्म है, बस ये है कि होन चूँकि ये सामान्य की किस्म है इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं, लेकिन हमारा यही अनुरोध है इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि सामान्य की किस्में हों या शीघ्र की किस्में हों, सबकी है अपनी एक महत्ता है और सभी किस्मों को स्थान दें और अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्रीय अनुकूलता के हिसाब से आप उन वैरायटीज़ को टेस्ट करें, देखें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है अवधेश कुमार मौर्या जी पूछ रहे हैं कि क्या 15023 बाढ़ क्षेत्र के लिए उपयुक्त है या नहीं है? 15023 के बारे में पूछ रहे हैं ये। 15023 को आप सामान्य में ही लगाएं तो बेहतर है, मेरा यही अनुरोध है आपसे, सामान्य में लगाएं, बाढ़ क्षेत्र में उसको आप ना दे ना लगाएं, मैं उसको संस्तुति नहीं देता हूं बाढ़ क्षेत्र में लगाने। जयप्रकाश जी, आप का कहना है 15023 वैरायटी का गन्ना कैसा है, कुछ मार्गदर्शन दें सर। अभी आप इस पूरे वीडियो को, लग रहा है आप लेट में जुड़े हुए हैं, 15023 की पूरी पहचान अभी इस वीडियो में है, आप इसको अगर पहले देखेंगे तो देख सकते हैं। हमारे साथ देखिए हर गाँव चीनी मिल के डिप्टी यूनिट हेड विजय वीर राणा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको। कई किस्मों के बारे में चर्चा हुई और मुझे लगता है कि फील्ड से हुई है, यह समझाने का एक प्रयास किया गया कि गन्ने की किस्मों को कैसे पहचाने, क्या उसके लक्षण हैं। और निश्चित रूप से अगर आप जो गन्ने की किस्में हैं, चाहे उनकी बड देख करके या फिर पोरी को देख करके या उसके आर्की जो कान है या लिपसीत को, अगर इन चीज़ों को आप माइन्यूटली अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अंतर नज़र आएगा। अगर दूर से आप देखेंगे तो सभी किस्में आपको लगता है कि सब एक तरह से, लेकिन जो करेक्टर आज चर्चा हुई है उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अंतर मिलेगा और इस तरीके से आप गन्ने की किस्मों को पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी किसान भाइयों का, डॉक्टर साहब का और पूरी टीम का, इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को पुनः हम आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।